नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना क्राइसिस के बीच सवाल जान का है तो जहान का भी है। जैसे जैसे कोरोना से लड़ाई मजबूत हो रही है, वैसे वैसे आजीविका पर मंडराते बादल डरा रहे हैं। जहन में अगर कोरोना की विदाई को लेकर सवाल है तो मन में ये भी चल रहा है कि आखिर ये लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा कब हटेगी और जिंदगी पटरी पर कब तक लौटेगी। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है और बीमार इकोनॉमी को स्वस्थ बनाने के लिए लॉकडाउन को खोलना ही विकल्प है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है, वहां के हालात सुधरने में तो और भी वक्त लग सकता है, क्योंकि कोरोना से सहमे पर्यटकों को वापस आने में वक्त लगेगा, उनमें सुरक्षा की भावना विकसित होने में देर लगेगी। सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल हो या होटलों में ठहरने के दौरान बीमारी का डर, सोशल डिस्टेंसिंग की सोच भी टूरिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। ऐसे में प्रदेश के होटल्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स पर जिनकी रोजी रोटी टिकी है, सवाल उनके सर्वाइवल का है। सेवा क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में अभी नहीं है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और निर्भर भी, लिहाजा पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक साथ ठीक करना होगा, जो कि बड़ी चुनौती है। पर्यटकों में महामारी को लेकर डर और शंका है, सोशल डिस्टेंसिंग की सोच टूरिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अहम सवाल ये कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आखिर कैसे बाहर निकलेगी कोरोना फैक्टर से, और इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ मीडिया चेयरपर्सन पीसीसी अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से। बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। पीसीसी उपाध्यक्ष हैं सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता नवीन सोहानी जी हमारे साथ हैं, अजमेर से प्रेसिडेंट हैं टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन के। इसके अलावा कुलदीप सिंह चंदेला जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, साथ ही टूर ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के भी प्रेसिडेंट हैं। और आशीष आनंद जी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अर्चना जी शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से सक्रिय है, बहुत ज्यादा संजीदा है किस तरह से वापस ट्रैक पर लाया जाए और कोरोना से फाइट जीती जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर है, कैसे इसे वापस पटरी पर लाया जाएगा, क्योंकि इससे जुड़े जो लोग हैं वो काफी आशंकित हैं और डर भी है कहीं ना कहीं। देखिए श्वेता जी, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की आप बात करें, मैं समझती हूँ कि जो एग्जिट होगा लॉकडाउन से, उसके बाद शायद ये मेरे ख्याल से जो प्रायोरिटीज होंगी उसमें नीचे से आने वाली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि इस समय जो हमारी प्राथमिकता हो तो लाइव्स एंड लाइवलीहुड को बचाने की है। और हॉस्पिटैलिटी को लेकर के तो वैश्विक तौर पर बहुत चिंता है, क्योंकि ग्लोबल जब दुनिया हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज जिस तरह की हम क्राइसिस से जूझ रहे हैं उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा महत्व है, और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है तो ये सेक्टर तो बाद में, अभी तो हमें उन श्रमिकों की आजीविका को बचाना है, अभी तो उस भूख से लड़ना है जो कि इसके आफ्टरमैथ इसके रूप में हम देखते हैं। तो मैं समझती हूँ किसी भी चीज़ को इकॉनमी में रिवाइवल के लिए कुछ अनकन्वेंशनल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ RBI को, क्योंकि जब तक हम कुछ परंपरागत चीज़ों से हटकर काम नहीं करेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिल सकती। सब जानते हैं कि ये जो क्राइसिस है, ये हेल्थ क्राइसिस से ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो पहली बार है इकोनॉमी पे कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी अनप्रेसिडेंटेड है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर आएगा जो इकोनॉमी को ध्वस्त करेगा ग्लोबली। ऐसी अवस्था मैं समझती हूँ श्वेता जी कि बहुत गैर परंपरागत स्टेप्स उठाने होंगे, फिस्कल डेफिसिट को एक तरह से दरकिनार करके डेट मोनेटाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट्स का करना पड़ेगा RBI को, यानी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी जब साथ चलेंगे तब जाकर आप सोच सकते हो कि हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है इसका रिवाइवल हो सकता है। लेकिन ये तो बाद की प्राथमिकता है, अभी तो हमें ये देखना है कैसे FCI से जो है वो अनाज रिलीज हो ताकि जनता की भूख मिट सके। हंगर स्टार्वेशन की स्थिति आ जाएगी तो बहुत बड़ी कह सकते विपदा हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार प्रधानमंत्री जी के साथ VC में यही कहा है, आप FCI से हमें अनाज रिलीज करके दीजिए, काम के बदले अनाज वितरण किया जाना चाहिए। आप देखिए कैसी स्थिति है कि लाइवलीहुड पर बहुत बड़ा, यानी आजीविका पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। बिल्कुल अर्चना जी, ये बातें हम कही आपने कि आजीविका जिस तरह से लाइवलीहुड पर प्रभाव है, बिल्कुल है। यहाँ पर सबसे जरूरी है कि लोगों को खाना मिल सके, उनकी आजीविका चल सके, जो बेसिक नीड है वो पूरी की जा सके, साथ
साथ साथ कोरोना से जंग भी जारी रहे, लोगों को बचाया जा सके संक्रमित होने से, लेकिन फिर भी दिक्कत उन लोगों को है जो इससे जुड़े हुए, जिनकी आजीविका इस पर निर्भर है, और इसलिए शायद ये चिंतित है, डर है, शंका है, और संभावना उनको लग रही है कि क्या कुछ हो पाएगा या फिर वक्त लग सकता है। सुमन जी, इसे लेकर आप क्या कहेंगी? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं जिसमें टूरिज्म है, टूर है, ट्रैवल है, होटल इंडस्ट्री है, ये सभी लोग चिंतित है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार के लिए इन पर डिपेंड है, और लॉकडाउन होने की वजह से, और अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो ये प्राथमिकता में नहीं होगा, ये सबसे लास्ट रहेगा, ये हम मान सकते हैं। नहीं, बिल्कुल श्वेता, आपने एकदम सही कहा कि ये सबसे हमारी लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। हॉस्पिटैलिटी तो बात की चीज़ है, अभी जो मेजर जो नेसेसिटी चीज़ है, जो सबसे बड़ी भूख और मजदूरों को लेके, क्योंकि भारत की इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें हम लोग के सामने है, परंतु जो सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने है वो इस देश के मजदूरों की भूख कैसे मिटाई जाए। बहुत सारे इंडस्ट्री बंद के कगार पे खड़े हैं, उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और ये अचानक जो मेरी कांग्रेस की मित्र कह रही थी, मैं उनसे ताल्लुक रखती हूँ इस बात से कि बिल्कुल ये एक अचानक आया हुआ ऐसा आपदा है जिसको कोई नहीं समझ पाया है अभी, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की स्थिति हो जाएगी हमारी इकोनॉमी की। तो रिवाइव करने के लिए हम सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी एजेंसी को बहुत ईमानदारी से और बहुत ही सतर्कता के साथ काम करके पुनः भारत को उस स्थिति में लाना पड़ेगा जिस स्थिति में हम थे। चूंकि हम अब जीरो से शुरुआत करेंगे, ये मान के चलिए, अब जीडीपी और बहुत सारी चीजें अब मायने नहीं रखेंगी, अब तो पुनर्जीवित होने वाली स्थिति में है, चाहे वो आरबीआई से फंडिंग हो, चाहे केंद्र सरकार करे या कोई और स्पेशल आइडियाज हो। ऐसे मैं देख रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं वितरण की बात हमारी कांग्रेस के मित्र ने कहा, तो गेहूं वितरण बराबर किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। अगर 4 बजे की बुलेटिन आप लोग देखती होंगी सरकार की तरफ से जो होती है, उसमें बताया जा रहा है कि पूरे देश के श्रमिकों के लिए और भी जो जो चीजों की सुविधा है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि काम बहुत बड़ा है। अभी ये सारी चीजें ऊंट के मुंह में जीरा के समान लगती है। बिल्कुल, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो बेसिक नीड है उसे पूरा करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। बिल्कुल, 4 बजे जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना की जाती है, रोजाना अपडेट यहाँ पर दिया जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, किस तरह से मदद पहुंचा रही है, बेहतर हालात कहाँ पर है और कहाँ पर स्थिति थोड़ा चिंताजनक है, तमाम अपडेट दिए जाते हैं। लेकिन नवीन सुहानी जी, आप हमारे साथ हैं, अजमेर से हैं, टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये ट्रैवलिंग को कर भी ये लास्ट प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन अगर शुरू भी हो जाता है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तो भी लोगों के जहन में डर तो है कि बस हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, उसे ट्रेवल करना, हर कोई अभी भी डरेगा, अगर खोल भी दिया जाता है तो लोग डरेंगे ट्रेवलिंग से। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रैक में कब तक आएगा, क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, कितना नुकसान अब तक हो चुका है? देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ त्रासदी है जी। और वो ये है कि जो ये जो कोरोना वायरस आया उसके बाद से एक लोगों में एक भयभीतता भी आई, डिस्टेंस वाली भी बात आई, लेकिन हमारे साथ तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग इधर से उधर पलायन करने के अंदर डिस्टेंस रखने की बात करेंगे जी। और दूसरी बात, अभी जो मार्च से लेके और मई और जून का जो महीना होता है वो हमारा पीक सीजन होता है, शादी ब्याह का सीजन होता है, उसमें हर टूर एंड ट्रेवल्स वाले की आजीविका उस पर निर्भर करती है, और वर्तमान में ये पूरा का पूरा सीजन जो है ये ख़त्म हो गया है, तो अब लोगों में भयभीतता है, और हमारे साथ सबसे बड़ी त्रासदी है, और हमारे साथ सबसे बड़ी कहना चाहिए कमी ये है कि हमारे व्यवसाय के प्रति, हमारा तो एक बिल्कुल सिद्धांत है कि हमारा चक्का चलता है तो हमारी चक्की चलती है, अगर हमारा चक्का ही नहीं चलता है तो हमारी चक्की नहीं चलती। हमारे साथ ड्राइवर, कंडक्टर सब जुड़े हुए हैं, सरकार से हमने मांग की है हमारी प्रत्येक गाड़ी का 15,000 से लेके और 29,000 रुपए महीने तक का टैक्स है। हमने सरकार से ये भी निवेदन किया जब गाड़ी नहीं चल रही है तो टैक्स की माफी भी की जाए, हमारे इंश्योरेंस का पैसा है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह है, बड़ा भयभीत सा है। और कई गाड़ियां ऐसी है जो सरकार से हमने लोन पे ले रखी है, उनका 30-30, 40-40 हज़ार रुपये महीना जो है किस्त का आता है, कहाँ से होगा? और अब आगे जाके हमको ऐसा लग रहा है कि आगे इसमें जो सुधार होने वाला है उसमें समय लगेगा। तो इस प्रकार से हमारी इस इंडस्ट्री पे और हमारा जो ये जो व्यवसाय है इसमें
छोटे लोग, यानी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी राहत मिल सके। बिल्कुल, आपने जो दिक्कतें बताई हैं बिल्कुल वो जायज है और ये आप लोग जरूर गवर्नमेंट से मांग करते हैं या चाहते हैं कि इसमें थोड़ी रियायत दी जाए, जो टैक्स लग रहा है जबकि गाड़ियां खड़ी हैं। और बेहद अहम बात की आपने कि चक्का जब नहीं चलेगा तो चक्की कैसे चलेगी, और जो लोग इस क्षेत्र इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बेहद नुकसान जरूर है यहाँ पर। कुलदीप सिंह चंदेला जी भी हमारे साथ हैं। कुलदीप सिंह जी, होटल इंडस्ट्री जो है बहुत अहम है टूरिज्म के सेक्टर में देखें, लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि लॉकडाउन खुलता भी है तो भी ये इंडस्ट्री अभी पनप नहीं पाएगी, पूरी तरह स्कूल नहीं पाएगी, लोगों में डर खौफ अभी भी रहेगा कई महीनों तक। ऐसे में आप लोग कितने बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं, कितने हजार लोग आपके साथ जुड़े, क्योंकि माना जा रहा है कि 2000 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है इस इंडस्ट्री को। देखिए श्वेता जी, पर्यटन उद्योग जिस दौर से अभी गुजर रहा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में करीब 25 लाख लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। आज 25 से 25 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं, और मार्च में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए थे, नए प्रोजेक्ट्स डालना चालू कर दिया था नए सीजन के लिए, क्योंकि सीजन बहुत अच्छा लग रहा था। ऑल ऑफ सडन सारा बंद हो जाने के कारण सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ धरे के धरे रह गए हैं, बैंक लोन सामने खड़े हैं, बिजली के बिल सामने खड़े हैं, देनदारियाँ सबकी सामने खड़ी है, तनख्वाहें सबकी सामने खड़ी है देने के लिए। और कुल मिला के जो अभी ये दौर गुजर रहा है इसके लिए हम सरकार से एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि हमने 70 सालों में सरकार को दिया ही दिया, पर्यटन उद्योग ने लिया कुछ नहीं है। पहली बार हम चाह रहे हैं कि आप हमसे लें कुछ नहीं, आप हमको कुछ दे दें, और देने के अंदर जैसे बार लाइसेंस फीस हो गई, अब जब बार लाइसेंस फीस जमा कराएंगे जो इतनी बड़ी फीस होती है, और जब बार ही नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, कोई आएगा नहीं, तो फीस का देने का क्या औचित्य है। तो इसलिए वो हो गया है, आपके बिजली की बिल्स जो हैं वो कम से कम आपका जो मिनिमम जो लगता है वो माफ़ किया जाए, उसके ऊपर न्यूनतम राशि का एक्चुअल के ऊपर वो आ जाए, बैंक से जो है RBI से बात करें सरकार, केंद्रीय सरकार, और इसको आगे एक साल के लिए रियायत दिलाएं ब्याज के ऊपर, ब्याज माफ़ी हो, नहीं तो फिर जो 25 लाख 30 लाख लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। तो लॉकडाउन खुलता है, वापस कार्यक्रम शुरू होता है, बट विदेशों से आने वाला पर्यटक अभी नहीं आएगा, पूरा साल नहीं आएगा, क्योंकि विदेशों में हमारे से बदतर हालत है। बिल्कुल, जब वहाँ बदतर हालत है तो यहाँ कौन आएगा? जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, जो बिजनेस टूरिस्ट जो ट्रेवल करता है, जब बिजनेस ठप पड़े हैं तो कौन ट्रेवल करेगा? तो कुल मिला के स्थिति बड़ी सोचनीय और बड़ी गंभीर है। इन सब को देखते हुए सरकार से हमारा निवेदन है, और सबसे पहले तो मैं कहना भूल गया अभी आपको कहता हूँ कि पर्यटन उद्योग राज्य सरकार का बहुत आभारी है और केंद्र सरकार का, कि जिस हिसाब से इन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए हैं, अहम कदम उठाए हैं, पुलिस कर्मी हो गए, मेडिकल कर्मी हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, सबके लिए हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुल मिला के सरकार से यही निवेदन है कि कुछ करे सरकार, दो कदम आगे बढ़कर। कोशिशें तो बिल्कुल जारी है, लेकिन देखिए उम्मीदें हर किसी की है अपने अपने सेक्टर से जुड़े हुए कि इसमें कुछ रियायत मिल जाए, क्योंकि हर सेक्टर इस त्रासदी से को झेल रहा है और हर कोई इंतजार यही कर रहा है कि कब इससे राहत मिलेगी। लेकिन वही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये लॉकडाउन एग्जिट भी होगा, लेकिन उसमें प्रायोरिटी ये तो तय है कि कम से कम इस इंडस्ट्री की तो नहीं रहेगी, उसको और इंतजार यहाँ पर करना जरूर पड़ेगा। आशीष आनंद जी भी हमारे साथ हैं। आशीष आनंद जी, देखिए दिक्कतें तो बहुत है, ट्रैवल लोग करेंगे नहीं, होटलिंग अभी कोई करेगा नहीं, रेस्टोरेंट में जाना अगर ये खुल भी जाते तो भी नहीं, तो इस इंडस्ट्री को अभी इंतजार बहुत लंबा करना पड़ेगा वापस ट्रैक में आने के लिए। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है ये भी तय है, लेकिन अगर हर कोई अभी जो वक्त है वो ऐसा है कि मजदूर गरीबों को दो वक्त के खाने के लिए मिल जाए, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है वो अगर इतने महीनों तक बिना बेरोजगार रही, नौकरी नहीं रही, पैसा नहीं रहा, तो उसकी भी हालत ऐसी ही हो जानी है। किस तरह की राहत आप लोग चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहां पर मजबूर है, फिर वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, प्रायोरिटी में कुछ और चीजें हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, वो अपनी जान जोखिम में डाल के जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इवन सारा प्रेस मीडिया भी जो है वो कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में आता है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। देखिए प्राथमिकताएं बिल्कुल नेसेसिटी हैं, सबसे पहले जो अपना जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके अंदर सबसे पहले स्कूल की फीस आती है, फिर EMIs आती हैं, फिर बाकी लेजर आता है। हमारी इंडस्ट्री एकदम आखिर में आती है, ये बात बिल्कुल तय है, मगर हमारी इंडस्ट्री में कितना लेबर इंटेंसिव है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारी एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हर जगह ह्यूमन फैक्टर है, चाहे परोसना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे रूम को बनाना हो, सब जगह लेबर चाहिए। इसके लिए ट्रेंड लेबर भी होती है और अनट्रेंड लेबर भी होती है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इस तरह के पैकेज दे ताकि हम हमारी लेबर को सपोर्ट कर सकें, ताकि हम हमारे इंस्टॉलमेंट्स दे सकें।
हमारे जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर जो फिक्स चार्जेस हैं उसको गवर्नमेंट वेव ऑफ कर सके। ड्यूटी टैक्स हमारे इंडस्ट्री के ऊपर, होटल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, उसकी राहत हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या इसके लिए आप लोग ने भी लेटर लिखा है, गुजारिश हमने, की है हमने टाइम टू टाइम हर प्लेटफॉर्म पे सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है। सरकार भी इस चीज़ को ठीक से समझी है कि पर्यटन राजस्थान का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसमें 7% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसके अंदर तकरीबन 15% स्टेट की GDP इन्वॉल्व है, तो पर्यटन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही लास्ट प्रायोरिटी हो, मगर इसको सपोर्ट देने से इतने परिवारों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, और स्टेट और केंद्र की बात करें तो उनको भी जो राजस्व मिलता है वो इसी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा मिलता है, और वापस अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, वापस ट्रैक में आना है, तो इसे मजबूत करना होगा। लेकिन अभी जिस तरह का वक्त चल रहा है उसमें प्रायोरिटी में जरूर ये पीछे है, लेकिन इसलिए चिंता सबके लिए भी है। अर्चना जी, बिल्कुल एक बात अहम आपने कही कि अभी जो जरूरत है वो गरीब मजदूर है, उनका पलायन ना हो, वो जहां है वहां से घर पहुंच सके, उनको दो वक्त का खाना मिल सके, ये सब प्रायोरिटी में है, क्योंकि जान है तो जहान है और जान बचाना ही प्रायोरिटी में सरकार के है। लेकिन फिर भी उम्मीद हर सेक्टर कर रहा है, उम्मीद ये कर रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो है कम से कम उसमें रियायत मिल सके। क्या गवर्नमेंट इस ओर भी अभी ध्यान दे रही है, क्या ये सब उसके उनके नॉलेज में है, क्योंकि इनका कहना है बार बार लेटर्स भी लिखे गए हैं, अपनी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। देखिए श्वेता जी, हर क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति या रोजगार जिस रोजगार से वो जुड़े उनकी सबकी चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के कारण हर चीज़ प्रभावित हुई, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्रभावित नहीं है। MSME की बात करें तो वो बिल्कुल जर्जर है, हालांकि डिमोनिटाइजेशन GST उसके बाद से वो बढ़ नहीं पाए थे। अब ये वाला जो झटका है ये तो बहुत ही कह सकते हैं ऐसा गंभीर चोट है कि इससे हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लेकिन एक मोटी बात है कि हमारी इकोनॉमी वैसे भी अच्छी अवस्था में नहीं थी, ऐसे में एक स्टिमुलस पैकेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ का, वो तो ड्रॉ डाउन फ्रॉम प्रीवियस बजटेड स्कीम्स है। तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि राज्य सरकार सब चीज़ों को कैटर कर पाएगी, क्योंकि फ्रंट लाइन में राज्य सरकारें, आज सबको समझना पड़ेगा, इस पैंडेमिक की लड़ाई राज्य सरकारें लड़ी है, केंद्र मॉनिटरिंग कर सकता है। अब केंद्र का दायित्व है कि हर सेक्टर के लिए एलोकेशन को बढ़ाए, और देखिए तभी संभव है। मैंने कहा ना शुरू में कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी RBI की मॉनिटरी पॉलिसी को अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा, यानी सेकेंडरी मार्केट में अगर RBI आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो बॉन्ड है उसको बैंक मैनेजमेंट सिस्टम से यदि वो ले लेता है, जैसा कि US फेडरल ने किया है, आपने देखा वहां के हमारे जितने प्रवासी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए US फेडरल के माध्यम से, यानी कि वहां की सरकार दे रही है। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया है कि उसे मॉनिटाइज कर दिया स्टेट गवर्नमेंट के डेट को, बॉन्ड्स को खरीद करके डायरेक्टली। तो हम ये करें और फिस्कल डेफिसिट की चिंता छोड़ के FRBM मैट को, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इकोनॉमी को सस्टेन कराने के लिए केंद्र सरकार कर ही रही, तो उसको भी बाईपास करें। सबसे अच्छी बात हमारे देश के साथ सिर्फ इस समय एक है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है, सरकार कोई भी अपरंपरागत तरीका अपना करके सस्टेन करवा सकती है इकोनॉमी को। IMF ने भी अच्छी घोषणा की कि रिसेशन में नहीं जा रहा इंडिया और चाइना। तो ऐसी अवस्था में हम अगर बहुत रैशनली कोऑर्डिनेटेड काम करेंगे, जिम्मेदारी और रिजॉल्व के साथ काम करेंगे, तो सभी सेक्टर्स को कैटर कर पाएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए अभी रीबूट करना पड़ेगा इकोनॉमी को, सोच विस्तृत करनी पड़ेगी, सजेशंस मानने पड़ेंगे। जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्रमिकों के बारे में सोचिए, प्रवासियों के बारे में सोचिए, एक दूसरे से तालमेल बैठाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हर व्यक्ति को उसके राज्य में जाने की सुविधा दीजिए, ताकि हर राज्य रैशनली सोच करके अपनी डिमांड्स को पुट अप करे, और जब पुट अप करे तो केंद्र सरकार बिना भेदभाव के उसका एलोकेशन कर दे। बिल्कुल, केंद्र सरकार बिना भेदभाव के, बिल्कुल ये बात आपने जो कही, केंद्र सरकार बिना भेदभाव के। और आपने भी ये कहा अर्चना जी कि अभी जो लड़ाई लड़ रही है राज्य सरकार अपने स्तर पर लड़ रही है, वो नजर भी आ रहा है हर एक स्टेट में, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री करते हैं, खासतौर से अगर हम राजस्थान की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की, जिस तरह से इनिशिएटिव उन्होंने लिया और बहुत हद तक नियंत्रण में इस प्रदेश को इस संक्रमण से रखा गया है। आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत नियंत्रित हैं। बिल्कुल सुमन जी, अब सवाल यह कि केंद्र सरकार बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री की हम बात करें, देखिए क्योंकि ठीक है प्रायोरिटी में ये नहीं है, है बहुत पीछे और ट्रैक में आने में बहुत वक्त भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद अगर है तो केंद्र सरकार से है। ऐसे में ठीक है बेसिक नीड्स के अलावा भी, क्या इसे लेकर भी थोड़ा और इंतजार करने के बाद आपको लगता है कि बहुत जल्दी केंद्र सरकार की तरफ से भी इनके लिए जो दिक्कतें हो रही हैं खासतौर से उस पर रियायत मिल सकती है?
देखिए श्वेता, मैं एक बात कहूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। आज के हालात में इसको हम निचले पायदान पे ले जाते हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मान के चलिए कि अब जो अर्थव्यवस्था हमारे सामने आई है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, और सरकार जरूर रिफॉर्म करेगी। और मुझे लगता है कि शीघ्र इन लोगों को भी पता चलेगा। अभी तो बेसिक नीड्स की बात हो रही है, चाहे केंद्र हो सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन अल्टीमेटली इनको भी ये टूरिज्म, हमारा जो हॉस्पिटलिटी है, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको भी कुछ ना कुछ, क्योंकि पुराने जो सिस्टम थे वो तो बदलने ही पड़ेंगे। जो कई अभी मैंने आपके यहाँ सुना कि कई लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को माफ़ किया जाए, उसको कम किया जाए, ये ज़रूरत है। और इसको शायद मुझे लगता है कि शीघ्र इस पर भी मंथन चल रहा है। और केंद्र सरकार जो राज्य भेदभाव की अगर बात होती और उनकी नीयत में खोट की बात होती तो आज वो गहलोत साहब की तारीफ नहीं करते। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की बहुत तारीफ की है। तो एक बड़ा मन करके प्रधानमंत्री जी पूरे देश को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी कुछ सभी सेक्टर के लिए केंद्र से भी आने वाला है, क्योंकि दोनों हाथ से दोनों को काम करने की जरूरत है। और वो नजर आएगा देश के लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के जो लोग हैं वो चिंता ना करें। केंद्र आप लोग की चिंता सदैव खत्म हो जाए, बिल्कुल यही उम्मीद है कुलदीप जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। हर सरकार ये चाहती है कि हम हर किसी की जरूरत पर मदद कर सके, जो अभी नीड है वो पूरी कर सके। ऐसे में उम्मीद, एक लाइन में अगर आप कहना चाहें तो आप लोगों को क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा और इस वक्त से कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए एक लाइन में मैं एक ही शब्द कहूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आपसी समन्वय ऐसा हो कि इस पर्यटन उद्योग को एक ऐसा दर्जा दिया जाए, जो उद्योग का दर्जा दे रखा है उसको टूरिज्म इंडस्ट्री जो कहते हैं, पर्यटन उद्योग जो कहते हैं, उद्योग का दर्जा इसको मिल जाए और उद्योग के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलती है बाकी उद्योगों को वो पर्यटन को भी मिल जाए, तो पर्यटन अपने आप उभर के ठीक हो जाएगा। चलिए अब क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और बेहद अहम ये भी है कि अब आगाज जो करना है वो शून्य से करना है, जीरो से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो सिर्फ ये है कि लोगों की जान बचाई जा सके, इस कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म किया जा सके। कितने लोगों को हमने अपने खो दिया है अगर हम मौतों के आंकड़े की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ हजारों करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं पूरी दुनिया में। नौकरी की जरूरत होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हर इंडस्ट्री को हो रहा है, हर कोई उभरने की कोशिश कर रहा है। उम्मीदें राज्य सरकार केंद्र सरकार से, दूसरी तरफ दोनों ही सरकारें यहाँ पर लगी हुई हैं, समन्वय भी बना हुआ है, मिलजुल कर काम किया जा रहा है। बेहद अच्छी बात है कि एकता नजर आ रही है राजनीति से इतर, लेकिन इंतजार करना होगा, इंतजार थोड़ा करना होगा। लॉकडाउन खुलेगा भी तो भी ये एग्जिट प्लान होगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। और जो इंडस्ट्री बहुत पीछे है, जिनको प्रायोरिटी में लास्ट में रखा गया है, उन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे भी उभरने के लिए सबको एकजुट रहने की जरूरत है। कोशिशें हर तरफ से जारी है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, ये बेहद अहम। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है, नमस्कार।